ये जो फाइनल अकाउंट के सारे सवाल हैं, ये इसको मैं तरतीब दे के ना इसकी एक लिस्ट बना के आपको शेयर कर दूंगा। हाँ जी करें स्टार्ट। हो गया, चले द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। अच्छा आपने ऐसा करना है, बाकी चाहे आप लोग बल्कि कह रही यही ले कि इसके जो 20 क्वेश्चन है ना इसका प्रिंट ले लें, सॉल्यूशन का नहीं सिर्फ क्वेश्चन का। कोई एक बंदा थोड़ी सी मेहनत करके बल्कि उसको ये कह दे कि ये पेज का प्रिंट दे दे, फिर वो एक सेट बन जाएगा तो उसकी कॉपी फिर सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मोबाइल पे बार बार देखना छोटी स्क्रीन में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसका भी प्रिंट ले लेना। आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है दिसंबर 2022 का जी, परचेज आपको गिवन है, पता है कहाँ जानी है, सेल्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब ओके है, कैपिटल, ड्राइंग्स, ऑफिस फर्नीचर, रेंट, सैलरी, अदर फी, क्रेडिट साइड पर है तो क्या होगी इनकम, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड के दो जगह है, या तो परचेज में से माइनस कर दो या अदर इनकम, और डिस्काउंट अलाउड या सेल में से माइनस कर दो या अदर एक्सपेंस, डेटर, क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक, व्हीकल, डन। कोई ऐसी चीज जो आपको ना बताओ, अब आए कॉस्ट ऑफ स्टॉक वाज ₹5,000 व्हाइल एनआरवी इज 6,000, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या रखेंगे, 5,000। ये जो 6,000 दिया हुआ है ये शैतानी फितना है, ये सिर्फ हमारा दिमाग या हमारा फोकस इधर उधर हिलाने के लिए, अदरवाइज 6,000 का कोई रोल नहीं है यहाँ। हमने अपना स्टॉक लिखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, उसने कॉस्ट भी दे दी एनआरवी दे दी, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 5,000। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, एडजस्टमेंट वाले हैं, एक्सपेंस में भी जाएंगे और डेटर से भी माइनस होंगे। अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो इसकी एंट्री पास होगी बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो एक्सपेंस में भी जाएंगे और डेटर में से भी माइनस होंगे, क्योंकि ये एडिशनल बैड डेट्स होते हैं। और एडिशनल बैड डेट्स क्या होते हैं आपको पता है ना, वो फार्मूला याद है या भूल गया, एसओसीआई बैड डेट्स में भी जाएंगे और एडिशनल बैड डेट्स डेटर से भी माइनस होते हैं। सैलरीज इंक्लूड सैलरी पेड इन एडवांस, 1500 एडवांस सैलरी दे दी, हाँ जी एडवांस आराम से सैलरी में से माइनस, और करंट एसेट सैलरी में से माइनस। लेकिन एक प्रैक्टिस अगर आप पेपर में लिख कर ना करो दिमाग में जरूर करो तो ये आपकी बहुत बड़ी शान बढ़ाएगी, वो है इसकी एंट्री। एंट्री जैसे ये हमने एडजस्टमेंट सोच ली बिल्कुल ठीक है, क्या करना है सैलरी में से माइनस करना है, और तो अगर आप इसकी एंट्री भी लाजमी सोचा करो, प्रीपेड सैलरी ये चला गया एसेट में और सैलरी होगी क्रेडिट, सैलरी में से माइनस वो सैलरी क्रेडिट हो रही है, सैलरी बाय डिफॉल्ट डेबिट होती है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो क्रेडिट होने का मतलब क्या है सैलरी में से माइनस और करंट एसेट में, डन। रेंट एक्सपेंस इंक्लूड रेंट ऑफ ऑनर हाउस, रेंट में 800 शामिल है जो कि ऑनर का रेंट है, रेंट में से माइनस, ड्राइंग में जाकर ऐड, रेंट से निकाल के एंट्री क्या बनाएंगे ड्राइंग्स में जाकर लिखेंगे, तो ड्राइंग्स डेबिट और रेंट में से माइनस कर देंगे। ये बात समझ लगी, और अगर आपको एंट्री की ये मुश्किल तरीका समझा जाता है, लेकिन अगर इसके ऊपर ग्रिप आ जाए ना तो आपकी अकाउंटिंग यहां ही खत्म हो जाएगी, फिर दुनिया का कोई पेपर आ जाए कोई अकाउंटिंग आ जाए आप लोग मार नहीं खा सकते। अगर इस टाइप ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर अपने आप को ढाल लेते हो तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बोरियत भी है, लेकिन दूसरा ज्यादा आसान है, माइनस कर दो उधर लिख दो, माइनस प्लस कर दो उधर लिख दो, वो सोचना आसान है लेकिन एंट्री सोचना मुश्किल है। लेकिन अगर जिस दिन आपको पता चल गया तो फिर तो एंट्री पहले पास करोगे, उसका इफेक्ट देख लोगे किधर किधर लिखना। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर के ऊपर और 15%
आगे लिखा हुआ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सोचना ही नहीं है, याद रखना है जब स्टेरलाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई करना है, जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है अगर एक्युमुलेटेड एक्शन गिवन है तो माइनस कर दो, अगर गिवन ही नहीं तो फिर डायरेक्ट वो माइनस करके लिखा होता है फिर, ठीक होगी बात। तो क्या करोगे, आपने फर्नीचर का 10% लेकर क्या एंट्री क्या पास करोगे, डेप्रिसिएशन डेबिट फर्नीचर, क्या किया मैंने एक्सपेंस में लिखा और फर्नीचर में से माइनस कर दिया, कोई भी डेप्रिसिएशन ऐसे किया जाता है ना, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड एक्शन क्रेडिट या एसेट क्रेडिट। फिर व्हीकल का क्या करोगे, हाजरा 15% रेट है तो व्हीकल की अमाउंट का 15% लेंगे, जो अमाउंट आ जाएगी एक्सपेंस में और व्हीकल की अमाउंट में से एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन टू व्हीकल, लास्ट एंट्री इंपोर्टेंट, जाग जा सारे जो जो सो रहा है, इंपोर्टेंट एंट्री, बाकी सारी वही है पुरानी है तो ये भी पुरानी लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। 15% लोन वाज ऑब्टेन फ्रॉम बैंक फॉर रुपीज 2000 ऑन 1st November 22। देखो कि लोन की अमाउंट गिवन है ऊपर, यहां पर लोन की अमाउंट किसी जगह नहीं नजर आ रही, अब देखें इसमें ये फिर अच्छी एंट्री और बन गई, कहता है 15% लोन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक 2000 ऑन 1st November 22 बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स, लेकिन हमने लिखा ही नहीं। ओके आगे द लोन इज रीपेबल ओनली ऑन 31st October 2023 अलोंग विद इंटरेस्ट, ये पे कब होगा 31st October, एंट्री समय लग गई, 1st November को लोन लिया, यहां पर आए मैं यहां पर क्योंकि वो एक्सप्लेन ही इतनी, 1st नवंबर 2022 को लोन लिया 2000 एट द रेट ऑफ, ऐसा ही है, वापस कब पे करना है October 31st 23, बट सोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है 1st November को, हमारा ईयर एंड क्या है 31st December 22, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जी, आपने देखना है इस डेट, ये है आपकी रिपोर्टिंग डेट, इसको पोजीशन क्या, आपने लोन लिया हुआ रिकॉर्ड नहीं किया, लोन लिया है बट रिकॉर्ड, जब लोन लिया होगा तो एंट्री क्या पास की, कैश टू लोन एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, कैश टू लोन या बैंक टू लोन, देखो ना जब लोन लेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश डेबिट लोन क्रेडिट या बैंक टू लोन, जो मर्जी कर दो आई कैप गलत नहीं करेगा, ये एंट्री हम भूल गए थे लिखना, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट कितनी अमाउंट से 2000 से, अब अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2000 बैंक में प्लस कर देंगे और 2000 लायबिलिटी नॉन करंट में लिख देंगे या करंट में, ध्यान से बता दें आपने 2000 जो लोन लिया है वो करंट लायबिलिटी में लिखोगे या नॉन करंट लायबिलिटी में लिखोगे, लेकिन जी तो लिखा हुआ सारा, लिखा हुआ सारा डेट से तो बाहर सारा लिखा हुआ है, फर्स्ट दोबारा सुने जिसको नींद आ रही है वो सुने, 1st November 22 को लोन लिया, 31st October 2023 को वापस करना है, देखिए आपने देखना है इस डेट को, इस डेट के 12 महीनों के अंदर अंदर अगर लोन पे वापस करना हो तो वो करंट, गॉट इट। अब और एक इंटरेस्टिंग बात, ये तो आपका हो गया कंफर्म हो गया, ये 2000 बैंक में प्लस किया और 2000 लोन में लिखा, डेबिट में भी ऐड कर दिया क्रेडिट में भी ऐड कर दिया, ओके ओके बराबर हो गया काम। अब अगली बात, इसका 2 महीने का इंटरेस्ट भी तो बनता है, क्या आपने पे कर दिया है, नहीं, उसने कहा है वो भी अक्टूबर में पे करेंगे, लेकिन हमारे साल का इंटरेस्ट कितना बनता है, पूरे ये 10-11 महीनों का या सिर्फ 2 महीनों का, 2 महीनों का, तो जो इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया वो एक्सपेंस में भी लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट की जगह और करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे, याद आया वो लोन एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी, जो इंटरेस्ट या तो लोन लिखा ही नहीं तो इंटरेस्ट कहां से लिखा होगा, इसका मतलब है इंटरेस्ट भी अभी नहीं लिखा, तो इंटरेस्ट आता कितना है 2000 का 15%
2000 का 15% मल्टीप्लाइड बाय 2/12 कितना इंटरेस्ट बनता है? आई कैप जगह जगह आपको फंसा लेता है 50। अब ये जो 50 रुपए है ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है, लिखा नहीं, क्या लिखेंगे? एक्सपेंस में ऐड करंट लायबिलिटी। तो ये आप इसका मतलब है, एक तो आपने ये एक एडजस्टमेंट के कमाल देखो, बैंक में 2000 से ऐड, ये लिखेंगे जाकर नॉन करंट लायबिलिटी में, और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस में लिखेंगे जाकर 50 से, और दूसरा इंटरेस्ट पेबल में या अक्रूड एक्सपेंस। ये मेरे भाई ये इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट है। इरशाद समझ लगी? पक्की बात है? नहीं समझ लगी? मैं तो कह रहा था कि उठ जाओ, फिर अब सो गए, थोड़ा सा एक्टिव हूं ना तब समझ लगी। और कौन सो रहा था? दोबारा समझाने लगा हूं ना, इसलिए पक्की बात है, देख ली, क्योंकि यही सबसे इंपोर्टेंट एंट्री, बाकी तो सारी वही थी रिपीटेड। 1 नवंबर को लोन लिया था 2000, लिखना भूल गए, अब लिख देते हैं। क्या एंट्री करनी चाहिए थी हमें, बैंक या कैश? सवाल जवाब के अंदर हो सकता है वो कैश में ऐड किया हो 2000, हो सकता है बैंक में ऐड किया हो, दोनों में ठीक है क्योंकि दोनों करंट एसेट है। और दूसरा लिखेंगे करंट लायबिलिटी के अंदर 2000, क्योंकि लिखना भूल गए थे। फिर दूसरी बात, 2 महीने का इंटरेस्ट भी तो बनता है, वो कैसे फाइंड किया? जैसे फाइनेंस में तुम्हें पास है ना 15% मल्टीप्लाई 2/12 2 महीनों का, क्योंकि हमने लेना होता सिर्फ अपने साल का इंटरेस्ट, 2/12 से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, तो 50 इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी ऐड और 50 इंटरेस्ट अक्रूड के अंदर भी ऐड, ये फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा, खत्म हो। समय लगी? इसके अंदर ना अभी यहां पर उसने जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ये देखिए, कमाल माशाल्लाह, उसने खुद ही लिखा है ये, आपने उसने ये फॉर्मेट दिया बिल्कुल ऐसे होगा, पेपर में सवाल ही ऐसे आएगा आपको, मतलब ये है खाली जगह। आप यहां पर क्लिक करोगे 4 ऑप्शन आएंगी, उनमें से अपनी सेल वाली वो जो नेट सेल वाली अमाउंट होगी ना वो आ जाएगी। फिर क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल, पहले सेल, फिर कॉस्ट ऑफ सेल, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर एडमिन एंड जनरल एक्सपेंस, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एक्सपेंस होते दो टाइप के, जो सेल के एक्सपेंसेस होंगे उनको अलग कर लेना, सेल के एक्सपेंस कौन से होते हैं? कैरेज आउट, या जो आपको लगे कि ये सेल करने पे खर्चा आया, बाकी सारे के सारे कौन से होंगे? एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सॉरी एडमिन और जनरल। और यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये जो लिखा हो ना चूज एन आइटम, नजर आ रहा है ये? इसका मतलब क्या है भला? यहां पर क्लिक करोगे ना 4 वैल्यूज आएंगी, अपनी वैल्यू और उसको मैच करना, और उन चारों में से जो वैल्यू होगी उस पर क्लिक करोगे, ये जो ब्लैक होगी फिल इन द ब्लैंक खुद फिल हो जाएगी, ठीक है। और ये जगह खाली होगी यहां पर आपने खुद से लिखना होगा, यानी इसको माइनस, ये सेल है, ये कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, और इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल हम खुद करेंगे वर्किंग करके या कैलकुलेटर पे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पहले आपने इसको फिल करना है, फिल करने के बाद ये आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फिल करनी है, उसके बाद जब ये पूरा कर लेना है फिर देखना है कि आपका जवाब और आई कैप का जवाब एंड पे दिए हुए इसके जवाब, वो कौन कौन सी अमाउंट मैच करती है, कौन कौन सी अमाउंट मैच नहीं करती, ठीक है। दूसरे सवाल पे आ जाए, क्योंकि ये 2 सवाल हमें डेली मजबूरी है करना, और मैं ये सवाल आज ही इंशाल्लाह इनको कर दूंगा सेपरेट, कि अगर कोई सवाल इसमें ऐसे है कि जो मुझे लगता है कि डिस्कस करने की जरूरत नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, और वो मैं करवाऊंगा फाइनल असाइनमेंट के साथ। चलिए जनाब, फिर ये शान ही है सेल परचेज। अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात बता देगी, गुड, कैश एंड बैंक, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक अगर क्रेडिट साइड पर गिवन होगा तो वो क्या होगा? ओवरड्राफ्ट होगा। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। कमीशन, ये एक्सपेंस है और ये इनकम है। फिर रिटर्न, ये से रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है और ये इंटरेस्ट इनकम है। डेटर क्रेडिटर, कैपिटल ड्राइंग्स, इंश्योरेंस सैलरीज, फिर स्टॉक ओपनिंग मशीन, आ जाओ एडजस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। सैलरी एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट सैलरी पेड
फ्रॉम जुलाई 2021 टू अप्रैल 2022 सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मे एंड यू आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। वो कहते हैं जो सैलरी ऊपर लिखा हुआ है सैलरी एक्सपेंस रिप्रेजेंट, ये सैलरी एक्सपेंस है 15,000, ये कब से कब तक की है ये बता रहा है। जुलाई हमारा ईयर एंड कहां था भला, ये है हमारा ईयर एंड 30th जून। कहते हैं सैलरी जो आपने पे किए ना वो जुलाई 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक है। इसका मतलब है मई और अप्रैल तक तो होगी पे, आगे रह कौन सी, मई और जून। वो कहता है जो दो महीनों की सैलरी है वो अभी तक पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर 15,000 है, ये जो 15,000 सैलरी है ना ये 10 महीनों की है। एक महीने की सैलरी कितनी बनी, ये 15,000 1500, और दो महीनों की सैलरी अभी अनपेड है, तो ये बेसिकली अमाउंट फाइंड की है। ऊपर वाली सैलरी उसने खुद कह दिया है जुलाई से लेकर अप्रैल तक का गेन लो लाइन 10 महीने बनेगी, पर मंथ का पता चल गया सैलरी कितनी है। दो महीनों की सैलरी वो कहता है अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो कितनी आउटस्टैंडिंग है ये तो पता होना चाहिए, 3,000। अब इस 3,000 का क्या करोगे, एक्रूड है सैलरी एक्सपेंस में ऐड और करंट लायबिलिटी सैलरी एक्सपेंस में ऐड और। तो मेरे भाई मैं तो आदमी हूं एंट्री का, एंट्री कौन बताएगा, सैलरी एक्सपेंस डेबिट एक्रूड सैलरी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट एक्रूड सैलरी क्रेडिट कितनी अमाउंट से भला 3,000। ये बात समझ लग गई। अगली बात, 1/4 ऑफ द इंश्योरेंस वाज पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, 1/4 ऑफ द इंश्योरेंस, ये है आपकी इंश्योरेंस 5,000, इसका चौथा हिस्सा एडवांस है, 4 पे डिवाइड कर दो, उस 1250 का क्या करोगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस में से माइनस करंट एसेट्स, एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस। कमीशन इनकम वाज अक्रूड, कमीशन इनकम अक्रूड है, ये तो सादा सादा सी एंट्री है, कमीशन इनकम में ऐड और करंट एसेट, अक्रूड का मतलब होता है कट बट नॉट रिसीव, तो कमीशन में ऐड और इसकी एंट्री अगर मैं बताऊं तो क्या बनेगी, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, एक तो फार्मूले में बैड डेट्स में ऐड और डेटर में से प्रोविजन 5%, तो क्या करोगे, ये ऊपर वाला 3,000 माइनस करके प्रोविजन लोगे कैरी डाउन या डायरेक्ट ले लेंगे 3% माइनस करके लेंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट वाले हैं। डेप्रिसिएशन 10% और वही डेप्रिसिएशन की अमाउंट लेकर एक्सपेंस में भी लिख देंगे और अपने अपने एसेट में से भी, ये दो सवाल आप नहीं करते, ये इतने मुश्किल नहीं है, कल मैं ये देखूंगा कि जो मुश्किल है वही सवाल हम इधर करेंगे, ठीक है। कल अगर कोई मसला होगा ये इसने, आप मैं कहता हूं आप लोगों ने बहुत ही कोई लकी हो, ये फॉर्मेट की वजह से बच्चे फेल हो रहे थे, उन्हें फॉर्मेट का ही नहीं पता होता था, ये सवाल तो थे ही नहीं, सवाल तो वही सेल्फ टेस्ट वाले थे। जी सॉरी, सेलिंग का मतलब क्या, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सेल करने पे खर्चा, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग कमीशन, कुछ सेल स्टाफ की डिलीवरी और व्हीकल की डेप्रिसिएशन, जो चीज सेल करने पे खर्चा होता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी सारे जनरल एंड एडमिट ओवरहेड, ठीक है। और ये तो आपको दो साल करोगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो कल मैं वैसे लिस्ट भी दे दूंगा, पहले भी मैंने वैसे बताया था, असल में ना जैसे लैपटॉप साफ किया है ना तो सारा डाटा मेरा कार्ड पे चला गया, तो वो कार्ड से वो डाटा थोड़ी सी बंदे को लगती है सुस्ती। ऐसे ही ऊपर, तो ये कल आपका काम थोड़ा ज्यादा है लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तो कल फिर ये सवाल करके और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट